हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीपीएस गाइड। सो ये थोड़ा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, लीनियर अरेंजमेंट है विद दो वेरिएबल। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको एलआईसी के मेंस में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कोई भी आपको नया नहीं मिलेगा, जिन लोगों ने एफसीआई का मेंस दिया होगा या एलआईसी डबल ए ओ मेंस दिया होगा वो लोग इस लेवल को समझ गए होंगे कि क्या लेवल आने वाला है। लेवल आपके आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ के तरह नहीं होगा। कोई भी नया क्वेश्चन आपको, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको नया नहीं दिखेगा कि कोडिंग डिकोडिंग आएगी। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यू पैटर्न पे नहीं आएगी, ओल्ड पैटर्न पे आएगी, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड पैटर्न पे भी आ सकती है, बट कुछ घुमा के देगी, ओल्ड पैटर्न पे ही कुछ घुमा के एक या दो क्वेश्चन दे देगा। न्यू पैटर्न पे देगा तो वो भी तीन क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देगा। इस तरीके से आपको मिसलेनियस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर पजल एंड सेटिंग की हम बात करेंगे तो देखिए, जैसे ये लीनियर अरेंजमेंट है, सर्कुलर दे देगा, फ्लोर एंड फ्लैट दे देगा, बॉक्स दे देगा, बट लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, एक वेरिएबल से लेकर दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल वेरी कर सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन। ये एक्चुअली ये मुझे डाउट में आया था, ये क्वेश्चन डाउट था हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर का, एक डाउट था कि सर इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना टाइम जरूर कमेंट करिए कि सर मैंने इस क्वेश्चन को इतनी देर में किया है। ठीक है ना, चलिए। क्या कहता है, 12 पर्संस हैं जो कि बता रखा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा पर्सन किस रो में बैठा हुआ है, रो वन और रो टू में है। 6 पर्सन सिटिंग इन रो वन फेसिंग साउथ। ऐसे केस में हमेशा दो केस बना लिया करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा कि रोवन जो कि आपकी रोवन है फेसिंग साउथ है, मतलब ये आपका साउथ हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। तो आपकी रोवन ये हो जाएगी, रो टू ये हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे कर लेंगे रोवन और रो टू ये हो जाएगी, रोवन आपकी ये हो जाएगी। पर्सन सिटिंग ईच रो डिफरेंट कलर के हैं, रेड ब्लू ग्रीन येल्लो पिंक एंड ब्लैक। पर्सन सिटिंग इन द सेम रो और फेसिंग ईच अदर डज नॉट लाइक द सेम कलर। मतलब अगर मान लीजिए ब्लैक है तो ये ब्लैक नहीं होना चाहिए, ये दूसरा ही कलर होगा। और ब्लैक अगर यहाँ लिख दिया एक बार तो दोबारा कहीं ब्लैक नहीं आना चाहिए। तो मतलब 6 कलर होंगे जो कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां से मेरा क्वेश्चन शुरू होता है। कहता है कि M6 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु लाइक ब्लैक कलर। ये लाइन क्या कह रही है समझो पहले। देखो यहाँ पे दो से तीन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वो लूप होल्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो चीज हमको पहचाननी है, वो किस तरीके से पहचाननी है वो ये देखिएगा। क्या कह रहा है कि M6 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु लाइक ब्लैक कलर। मान लीजिए ब्लैक कलर ये है, तो ब्लैक कलर मैं एक फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि यही एक ब्लैक है। ब्लैक को किसने फेस किया, इसने फेस किया, तो इसके थर्ड लेफ्ट में, इसके थर्ड लेफ्ट में इस तरफ कहीं ना कहीं एम होगा। कुछ इस तरीके की लाइन हमने बोली गई है। हम पहले क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे जो हमको डेफिनेटली में मिल रही होंगी, मतलब जो पक्का पक्का मिल रही होंगी, है ना, उनको देखते हैं। चलो क्या कह रहा है कि एज मैनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एम सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लैक कलर, के फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम। समझ में आया क्या कह रहा कि जो एम है, एम की इमीडिएट राइट में मान लो ये वाला बंदा बैठा है, तो ये इस बंदे को के ने फेस किया। कहने का मतलब एम और के अगर देखा जाए दो डिफरेंट रो में होंगे, इस चीज को ध्यान रखना। यही की पॉइंट्स हैं, यही की पॉइंट्स हैं कि एम और के आपके डिफरेंट डिफरेंट रोज में होंगे, सेम रो में नहीं होंगे। पी सिक्स इमीडिएट राइट ऑफ के, कहने का मतलब कि के और पी आपके एक सेम रो में होंगे। समझ रहे हो कि क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। As many person sits to the right of P, it sits to the right of the one who like yellow color. P does not like yellow color. ठीक है। R sits at one of the end of the row and to the left of P. कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? हाँ, आ गया ना? कि P के left side में कहीं ना कहीं R होगा और P और R मुझे पता है कहाँ हो रहे हैं। मुझे पता है P और K आपके एक रो में आने चाहिए। P जब इस रो में आ रहा है तो डेफिनेटली R भी इसी रो में आएगा। इसका मतलब ये हो गया R एक किसी एंड में होगा लेकिन P के लेफ्ट में। तो एक बार R को मैं यहां लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, और R एक बार मैं यहां लिख सकता हूं। सर यहां क्यों नहीं लिखा, अगर R यहां लिखे तो P के लेफ्ट में P भी यहीं कहीं होता, इस तरफ कहीं ना कहीं नहीं हो सकता। R अगर यहां लिखे होते तो P किधर जाता, P इधर कहीं कहीं होता,
उसके लेफ्ट में कहीं ना कहीं आर जो कि पॉसिबल है, तो इसलिए दो केस मेरे आर के सामने ये मैंने बना रखे हैं। समझ में आया कि क्या हुआ क्या है, सॉरी समझ में आया कि ये क्या किया मैंने। अब मैंने देखा आर यहाँ लिखा हुआ हूँ तो पी भी इसी रो में आएगा और के भी मेरा इसी रो में आएगा। जैसे ही पता चला के इस रो में आएगा तो कन्फर्म कह सकता हूँ एम इस रो में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पता चल गया पी यहाँ आएगा और के भी यहीं आएगा, और जब के यहाँ आएगा तो कन्फर्म एम यहाँ आएगा। हमको जो चेक करना होगा एम को रखने के लिए, मैं सेकेंड बार बार हर जगह क्यों रख के देखूंगा, आगे देखते हैं कुछ मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। क्यू सिट्स लेफ्ट ऑफ जे, क्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे एंड डज नॉट लाइक ब्लैक कलर। ओके, जे के ऐसे लेफ्ट में तो क्यू है, ठीक है। क्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे एंड डज नॉट लाइक ब्लैक कलर, मतलब क्यू के पास ब्लैक कलर कतई नहीं जाना चाहिए। बट स्टिल इन द सेम रो इन विच एल इज सिटिंग, कौन, क्यू की बात हो रही है, मतलब क्यू प्लस एल सेम रो में होंगी, जिस रो में क्यू होगा उसी रो में एल भी होगा, क्लियर है। थ्री पर्सन इज बिटवीन एम एंड ओ, यहां से समझते हैं ना, यहां से समझते हैं। तो इस केस की अगर हम बात करें, इस वाले केस की, तो एम यहां रखते हैं मान लो, तो एक दो तीन करके ओ तो लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो, लेकिन एक बात बताइए मुझे कि एम के इमीडिएट राइट में जो पर्सन है, एम के इमीडिएट राइट में जो पर्सन है वो किसको किया हुआ है, फेस के द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, मतलब एम के बाद यहाँ कहीं लिखे, एम यहाँ लिखे तो एक दो तीन करके ओ नहीं, एम यहाँ नहीं, एम यहाँ लिखे होते तो एक दो तीन नहीं, एम को यहीं लिखना पड़ता, सॉरी इस जगह तो लिख नहीं सकते, यहाँ से चेक करते हैं ना, एम के इमीडिएट राइट में ये वाली जगह हो गई, बिल्कुल जगह बन जाएगी एम, एम के इमीडिएट राइट में ये वाला ऐसे, और के ने इसको फेस किया कुछ ऐसा बन सकता था, और अगर हमने M को यहाँ लिखा तो एक दो तीन करके O तब भी लिख सकते थे, और M के इमीडिएट राइट में आपका ये वाला बंदा और इसके सामने यहाँ पे K हो जाता तो ये भी बात बन रही थी। तो चलो दोनों बात को समझते हैं इस केस में, कि हमने एक बार M को यहाँ लिखा, M के इमीडिएट राइट में ये वाला बंदा और इसके सामने कौन आ जाएगा, K आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्या K आएगा। अच्छा P sits सॉरी P sits immediate right of K. K के immediate right में P होगा. K के immediate right में P मतलब P यहाँ आ जाएगा. P के left में ही R आ रहा है. बिल्कुल सही जा रहा है. मतलब इसका मतलब अभी हम M को यहाँ लिख सकते थे और M को यहाँ पे भी लिख सकते थे. एक दो तीन का गैप देख के हमको किसको लिखना पड़ेगा? M और O के बीच में तीन का गैप था ना. ये देखो थ्री पर्सन सिट्स बिटवीन M. K faces the one who like red color. K ने रेड कलर को फेस किया हुआ है तो रेड कलर यहाँ लिख देते हैं. L likes black color. ओके 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 फाइन. एल लाइक्स ब्लैक कलर, एल को ब्लैक पसंद है, और जे लाइक्स रेड कलर, और जे को रेड कलर पसंद है. यहां तक समझो, जे लाइक्स रेड कलर. सुनो जरा, एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु लाइक ब्लैक कलर, मतलब हमने एम को फिक्स किया है तो वन टू, मतलब इस वाले बंदे से थर्ड लेफ्ट में वन टू थ्री है, और ये वाला बंदा किसको फेस किया होगा, ब्लैक को किया होगा, तो ब्लैक लिख दिया मैंने इधर. कहता है एज मैनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में तो कोई भी नहीं है तो ब्लैक के भी लेफ्ट में कोई नहीं होना चाहिए. समझ रहे हो, समझ रहे हो कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे. कह रहा एज मैनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में, एम का लेफ्ट इस तरफ हो गया ना, एम का लेफ्ट इस तरफ हो गया, कोई भी नहीं है, जीरो नंबर ऑफ पर्सन है, तो ब्लैक के भी लेफ्ट में कोई भी नहीं होना चाहिए. तो ब्लैक के लेफ्ट में यहाँ वाले में तो है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं ब्लैक ऐसे लिखना है कि उसके लेफ्ट में कोई नहीं होना चाहिए, तो वो कौन होगा, एम होगा, तभी उसके ब्लैक में कोई नहीं आ रहा है. और ये बताई गई ये बात कि L जो है वो ब्लैक होगा, दो बार ब्लैक आ सकता था, जो कि एक बार में तो M हो गया, तो डेफिनेटली L यहां आ जाएगा, L यहां आ जाएगा, L यहां आएगा तो Q भी यहां आएगा, यहीं आएगा और कुछ कहीं आ नहीं सकता, तो मुझे Q को यहां लिखना पड़ेगा, Q को यहां लिखना पड़ेगा और J को यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि J के लेफ्ट में कहीं ना कहीं Q है. तो देखा जाए तो ये तो ऐसे बन जाएगा ऐसा मेरा यहां पे. लेकिन लेकिन क्या बोला, L does not sit to the next of the one who like red color. ठीक है,
एल और रेड एक दूसरे के नेक्स्ट में नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं करेंगे भी नहीं। एस लाइक सेम कलर एज आर, इसका मतलब ये हो गया कि एस और आर हमारे डिफरेंट रोज में होंगे, तो अगर आर इस रो में है तो एस मेरा इस रो में होगा कहीं ना कहीं। ओ लाइक्स ग्रीन कलर, तो हमने देखा ओ यहाँ है, हमने ग्रीन कलर लिख दिया। आगे देखो, एस डज नॉट लाइक ब्लू कलर, आर डज नॉट लाइक येलो कलर, एस सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड कलर। तो रेड कलर ये है, ये लाइन पढ़ते ही यहाँ पे कि एस सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक रेड कलर, रेड कलर के लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं एस होगा, और एस जाना किधर था, इस रो में जाना था, और इस रो में रेड ये रहा, अगर ये रहा रेड तो रेड के लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं एस, क्या जगह है, क्या जगह है। सिर्फ इस लाइन ने मेरे को इतना आसान कर दिया कि मत पूछो, इसका मतलब कि हम गलत जा रहे हैं, हम बिल्कुल पाथ से भटक गए हैं। तो हमने ओ ग्रीन इस तरीके से ही रहने दिया। मैंने क्या क्या करना चाहा, मैं क्या क्या डिलीट करना है मुझे इनमें से। तो देखो, पहले तो क्यू हटाओगे, जे हटाओगे और एल हटाओगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा कि एम को जो मैंने यहाँ रख के पॉसिबिलिटी बनाई वो मेरी गलत जा रही है, इसका मतलब तो एम यहाँ नहीं होगा, मेरा एम यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लैक भी यहाँ नहीं होगा, ये भी ब्लैक यहाँ नहीं होगा, ये रेड यहाँ नहीं होगा, ग्रीन भी यहाँ नहीं होगा, ओ भी यहाँ नहीं होगा, आर और पी, ये के भी यहाँ नहीं होगा, और आपका के पी भी यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ एम को रख के देख लिया कि किस तरीके से हमारी कंडीशन वायलेट हो गई थी। दूसरी बात निकल के आएगी कि एम को मैंने यहाँ रख के देखा, ठीक है ना। एक दो तीन करके ओ को यहाँ लिख देंगे, ओ को पास ग्रीन था कलर, मैंने ग्रीन कलर लिख दिया। एम के राइट साइड वाला जो बंदा है, एम के मेरे राइट साइड वाला बंदा कौन सा हो जाएगा, एम के राइट साइड वाला आपका बंदा ये हो जाएगा। इस वाले बंदे ने के को फेस किया हुआ था, के को फेस किया, अब के ने किसको फेस किया, रेड को फेस किया है, तो रेड को कर दिया, ठीक है। क्या कह रहा, पी सिट्स इज अ इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में पी, तो पी ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, हर चीजें एक समझ में आ रही होंगी, आई होप सो। अब देखो, देखो क्या हो रहा है कि ठीक है, एम के लेफ्ट, एम से स्टार्ट टू द वन हो लाइक ब्लैक कलर। अब हम ब्लैक कलर को लिखते हैं ना, तो 1 2 3 अगर ये है तो ये वाला बंदा आपका ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। एज मैनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में, एम के लेफ्ट में एक लोग हैं, तो ब्लैक के भी लेफ्ट में एक लोग हैं, तो बिल्कुल सही जा रहा है ना, ये तो सही जा रहा है यहाँ तक, अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है आपकी। अच्छा आगे देखो क्या कहता है, के फेसेस द वन हु लाइक, के फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, तो हमने कर दिया है, पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के हो गया ये भी। एज मैनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट साइड में एक लोग हैं, पी के राइट साइड में एक लोग हैं, एज मैनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ पी, एज टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक येल्लो, तो येल्लो के भी राइट में एक लोग होने चाहिए थे, तो येल्लो यहाँ आ जाएगा ना, क्योंकि पी येल्लो नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता था कि येल्लो यहाँ लिख दे तो येल्लो के राइट में भी तो एक लोग हैं, लेकिन आगे साफ बोला गया था कि पी डज नॉट लाइक येल्लो, पी डज नॉट लाइक येल्लो कलर, इसीलिए मैं येल्लो को यहाँ लिख रहा हूँ। येल्लो के राइट साइड में कोई भी नहीं है, मतलब एक पर्सन है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आर सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो एंड सिट्स, ये भी हो गई मेरी बात। क्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे, क्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे, ठीक है, एंड डज नॉट लाइक ब्लैक कलर एंड ऑल लाइक दैट, वो बोला गया है। ओके तो मुझे अब देखना पड़ेगा कि एल को ब्लैक पसंद है, तो मैं एल को यहाँ लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था। अगर मैंने एल को यहाँ लिखा होता तो क्या बात बनती, एल भी यहाँ आता इस रो में, इस रो में मेरा एल भी आता, और क्या क्या आता, क्यू भी आता, और क्या क्या आता, क्यू के साथ साथ जे भी आता, आता कि नहीं आता, बिल्कुल आता, ठीक है, बिल्कुल आता। और मुझे पता है जे को क्या पसंद है, रेड कलर पसंद है, ओके, और जे के इस साइड ही कहीं ना कहीं क्यू होगा, तो जे यहाँ नहीं आ सकता, जे यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि जे इधर लिखे तो लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं क्यू आता, और क्यू हमारा ब्लैक हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे जे लिखते, बोलो हाँ कि ना, हम यहाँ पे जे लिखते।
अच्छा, अगर हमने कहा जे ये है तो एल ब्लैक होता तो एल यहां आएगा और क्यू यहां आएगा, एल यहां आएगा और क्यू यहां आएगा, पर जे क्या है, रेड है, जे क्या है, रेड है, तो मैंने मान लो रेड ले दिया और एक रेड ये है, रेड के लेफ्ट साइड में ही कहीं ना कहीं एस आना चाह, तो इसमें तो एस आएगा नहीं, एस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और आना भी इसी रो में था, तो इसलिए रेड को यहाँ लिखने से हमने एस यहाँ हमने देख लिया था कि आएगा आएगा ये आएगा, ठीक है। तो आपका जो एल है वो ये रहा, ठीक है, एल ब्लैक हो गया। और कोई बातें बोली गई, द वन हु लाइक्स रेड कलर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन यू डज नॉट लाइक ब्लैक और रेड कलर, टी एंड क्यू डज नॉट लाइक ब्लू कलर एंड डज नॉट सिट इन द रो वन, ये लाइन देखो, तो जब रो वन में नहीं आएगा तो रो टू में आएगा, और एन के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची हमारे पास, एन के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची ना, लास्ट लाइन में लिखा हुआ कि एन डज नॉट सिट इन द रो वन, तो मेरे लिए एन के लिए जगह ही नहीं बची। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो एल को रखना चाहा, एल ब्लैक एंड ऑल ये सारे पर्सन्स को, ये तीनों लोगों को, वो इस रो में नहीं आएंगे, तो इनको हटाओ यहाँ से भाई, जब नहीं आएंगे तो जे को भी हटाओ, एल को हटाओ और क्यू को भी हटा दो। अच्छा, मेरा रेड ये रहेगा तो कंफर्म बात है, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत क्या, रेड के लेफ्ट साइड में ही ऐसा है तो ये तो मेरा फिक्स चल गया, ऐसे यहाँ आएगा, मतलब एल ब्लैक एंड ऑल वो इस रो में आएंगे, इस रो में तो फिक्स भी नहीं हो पा रहा है, तो मेरे लिए एक ही रास्ता बचता है, एल ब्लैक ये रहा, ठीक है। क्यू जे के लेफ्ट में ही क्यू आ रहा है, तो जे के लेफ्ट में मतलब जे अगर हम यहां रखेंगे तभी क्यू यहां आएगा, और जे कभी भी मेरा रेड नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरा गलत है, पूरा डायग्राम ही गलत है, ये मेरा पूरा गलत डायग्राम जा रहा है, समझना, यहाँ पे पूरा गलत आ जा रहा है, रिजेक्ट कैसे हो रहा है, ये बात समझ में आ रही कि किस तरीके से रिजेक्ट हो रहा है केसेस। दूसरे केस की अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आने वाला है वहां पे, ठीक, समझते रहना। यहाँ पे मैंने देखा कि अच्छा एस और आर आपके सेम कलर लाइक कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों लोग डिफरेंट डिफरेंट रोज में करेंगे, एस सिट्स टू द, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एस लाइक द सेम कलर एज आर, क्योंकि एस और आर एक ही कलर के हैं और एक ही कलर के आपके सेम रो में होनी, तो अगर आर यहाँ है तो आपका एस यहाँ इस रो में आएगा, इस रो में आएगा कहीं ना कहीं, और कुछ ऐसे आएगा कि वो रेड के लेफ्ट में ही होगा, तो मतलब एस यहाँ आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है, रेड यहाँ होगा कहीं, उसके लेफ्ट में कहीं ना कहीं ऐसा होगा, तो वो सब बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम इस मेन गोल क्या है कि एम को हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, एम को सिर्फ या तो यहाँ लिख सकते हैं या तो यहाँ लिख सकते हैं, दैट्स इट, और कहीं पे भी एम को हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, उसके पीछे भी रीजन है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अच्छा, मान लीजिए एम ये है, तो एम के राइट साइड में ये रहा और उस बंदे ने के को फेस किया है, के को फेस किया मतलब रेड ये रहेगा, और रेड मतलब क्या हो जाएगा, रेड के लेफ्ट में कहीं ना कहीं एस आ ही नहीं सकता, इसका मतलब कि मैंने एम को यहाँ गलत रखा हुआ है, बस यहीं से ही पता चल गया। देखिए कंफर्म एम ये हो जाएगा, एम के राइट साइड में ये हो जाएगा आपका, और के ये हो जाएगा, के साथ रेड ये हो जाएगा, और रेड के ही लेफ्ट में कहीं ना कहीं एस, तो एस ये हो जाएगा। सुनो सर, आपने यहाँ दोनों क्यों चेक किया और कहीं क्यों नहीं चेक किया, आप चेक कर लो, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, रीजन उसके पीछे यही है कि एम और ओ के बीच में तो पहले तो तीन लोग को बैठाना, वो भी हमको पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और एम के इमीडिएट राइट में जो वाला पर्सन बैठा वो के को फेस करना, ये भी हमको फुलफिल करना, ये दो कंडीशन को साथ में लेके चलना, समझ जाओगे, एक दो तीन करके ओ मेरा कन्फर्म हो जाएगा, ओ के पास है, मेरे ग्रीन कलर है, अब ये कन्फर्म बातें चल रही, देखिए एम और एस दोनों मेरे लिख चुके हैं, हटा दो, के इमीडिएट राइट में पी है, तो के इमीडिएट राइट में पी मतलब पी यहां कंफर्म पता चल जाएगा कि पी मेरा यहीं होगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब तीन लोग यहां चाहिए, तीन लोग यहां चाहिए, ठीक है, चलो अब ब्लैक कलर को देखते हैं, मतलब एक दो तीन करके ये तीसरा बंदा, तो ये वाला ब्लैक हो जाएगा, ये वाला ब्लैक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ब्लैक के सामने वाला बंदा और इससे थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 M, बिल्कुल बात सही जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है, एकदम। येल्लो को भी लिख लेते हैं, क्योंकि येल्लो का डिपेंड था पी पे, है ना, तो बोला था एज मैनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट साइड में, पी के राइट साइड में मतलब किस तरफ, इस तरफ एक लोग हैं, तो येल्लो के राइट में भी एक लोग, येल्लो यहां आ जाएगा, येल्लो ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा एल लाइक्स ब्लैक कलर, अगर हमने एल यहाँ सोचा होता इस जगह पे तो क्या बातें बनती, सोचने दो, एल ये होता, ब्लैक ये हो जाता, अभी पॉसिबिलिटी समझ रहा हूँ मैं, एल ये होता ब्लैक ये हो जाता, तो
एल यहां लिख दिया तो जे पे रेड लिखना था, क्यों? क्योंकि क्यू एल और जे एक ही रो में आने, मतलब एल ये, तो जे यहां आता, और जे के लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं क्यू पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने गलत लिखा है। एल कन्फर्म ये हो जाएगा, एल कन्फर्म ये हो जाएगा, तो मतलब क्यू और जे को अगर हम बैठालना चाहे तो हम बैठाल सकते हैं, क्योंकि जे से के लेफ्ट साइड में ही क्यू है, तो जे यहां लिखेंगे और लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं क्यू एक ये हो जाएगा। और जे के पास कौन सा कलर था भाई? जे के पास हमें पता है ना, रेड कलर था, रेड कलर था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीजें? आगे देखो एक बात बोली गई है, द वन हु लाइक्स रेड कलर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर और रेड, अगर ब्लैक ये है तो इमीडिएट लेफ्ट आर ये रेड हो जाएगा, रेड ये हो जाएगा, तो क्या बात बनेगी? अच्छा बताइए, ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में अगर हम रेड लिख दे ऐसे, तो आर और एस का सेम कलर था, मतलब आर अगर रेड हो गया तो एस भी रेड हो जाएगा, और रेड रेड दो बार आ जाएंगे, फिर तो बात गड़बड़ा जाएगी, मामला लड़ाई हो जाएगी। इसका मतलब ब्लैक यहां होगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में रेड ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है भाई, बताओ। अच्छा आ रही होंगी चीजें। अच्छा अब देखो, यहां पे हमको कुछ चीजें पता है कि यू डज नॉट लाइक ब्लैक और रेड, तो ब्लैक और रेड पे यू नहीं आएगा, यू कंफर्म यू ये हो जाएगा। टी की बात बोली गई थी, द वन हू लाइक ब्लू कलर फेसेस टी, और क्यू डज नॉट लाइक ब्लू कलर, तो ब्लू के सामने टी नहीं आ सकता, ब्लू के सामने टी आएगा, क्योंकि टी तो यहीं आना, या तो इधर रहेगा तो ब्लू सामने होना चाहिए था, तो टी यहां रखेंगे, ब्लू यहां रखेंगे, क्यों? क्योंकि क्यू के पास ब्लू कलर नहीं जा रहा है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब आपका कौन सा कलर बच रहा है? आपका देखा जाए तो रेड हो गया, ब्लैक, ब्लैक भी हो गया, ब्लू, अगर मैंने इसको ब्लू दिया तो ये भी ब्लू हो जाएगा, तो ये ब्लू कभी नहीं होगा, क्योंकि ये भी मतलब ब्लू हो जाएगा, इसलिए एम हो जाएगा ब्लू, ये हो जाएगा ब्लू, और इसको देंगे पिंक कलर, ताकि ये पिंक हो गया तो ये भी मेरा पिंक हो जाएगा। उसके बाद दो ही कलर बच रहे हैं मुझे देने को, ठीक है ना, दो कलर बच रहे हैं मुझे देने को, एक पी के लिए और एक क्यू के लिए। तो देखो आपके सामने मतलब ब्लू और पी और क्यू के लिए, देखते हैं कुछ लाइन बोली गई होगी, ओ लाइक्स ग्रीन, एस डज नॉट लाइक द ब्लू कलर, ओके एस डज नॉट लाइक ब्लू कलर, ठीक है, आर डज नॉट लाइक येल्लो कलर, ये देखो ये वाली पॉइंट, आर को येल्लो, अच्छा ये भी पॉइंट काम का नहीं, द वन हु लाइक रेड कलर सिट्स इमीडिएट, यू डज नॉट लाइक ब्लैक, द वन हु लाइक ब्लू कलर, ये भी नहीं काम की है, तो क्यू सिट्स एंड डज, अच्छा क्यू को ब्लैक नहीं पसंद है, तो ब्लैक नहीं पसंद है ये भी कोई बात नहीं, दो कलर बचे हैं ग्रीन और येल्लो, ग्रीन और येल्लो, तो आपका येल्लो के लिए क्या बातें हो सकती हैं देखने दो, दो कलर बच रहे हैं, एक कोई पॉइंट या तो छोटा सा होगा, हम लोग एकदम, एल डज नॉट सिट्स टू द नेक्स्ट ऑफ द रेड कलर, ठीक है तो नहीं बैठाला हमने। आगे देखो आपका कोई पॉइंट होगा, एल लाइक्स ब्लैक कलर, जे लाइक्स रेड, के फेसेस नहीं, क्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे एंड डज नॉट लाइक ब्लैक कलर बट इन द सेम रो, नहीं, पी डज नॉट लाइक, ये देखो क्या बोला, पी डज नॉट लाइक येल्लो कलर, तो जब पी के पास येल्लो नहीं आएगा, ये तो जाहिर सी बात है कि येल्लो ये हो जाएगा और ग्रीन ये हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका, ठीक है। चीजें कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में दी हुई हैं, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बताइएगा क्वेश्चन का क्या कैसा लगा आपको, और आपने कितनी देर में इस क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।